हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 10 डी का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने एक्सरसाइज 10 का सी पूरा कंप्लीट देखा था, तो आज आप लोग 10 का डी देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से एक एक बात को समझिए। तो देखते हैं, यहाँ दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 5.5 सेमी, बी सी बराबर 3.37 सेमी, कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 105 अंश और कोण डी बराबर 90 अंश का, तो ऐसे हमको बनाना है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, देखिए एक और दो और एक तीन कोण दिए हुए हैं और भुजा दो भुजा दिए हुए हैं। तो देखिए बनाएंगे कैसे हम लोग, ए बी का रहा 5.5 सेमी, तो अगर हम लोग ए बी खींचते हैं तो ए और बी पर कोण भी देखिए दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोई भी खींच सकते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे ए बी, स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर का नाप के एक रेखाखंड खींच लेंगे। देखिए हमने क्या किया, स्केल की सहायता से नाप के आप लोग खींचेंगे ए बी रेखाखंड 5.5 सेमी का। अब देखिए क्या करेंगे, बी सी कह रहा है 3.7 सेमी, बी सी मीन्स, और ये चतुर्भुज ही बनाना है तो आप लोग जानते हैं चार भुजा, बी सी मीन्स इधर रहेगा, तो लेकिन पहले इसको अब नहीं खींचेंगे। देख पहले हम लोग देखेंगे क्या, ये जो भुजा हम लोग खींचेंगे देखेंगे कि दोनों तरफ कोण है कि नहीं, अगर ए पर भी कोण होगा बी पर भी कोण, तो पहले हम लोग कोण बनाएंगे, ये आप लोग याद रखेंगे। भुजा खींचने के बाद अगर इस पर कोण होगा तो पहले कोण ही बनाएंगे। तो जैसे देखिए यहां दे रहा है कोण ए बराबर 60 अंश, तो हम लोग ए पर क्या करेंगे 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लेंगे, वो जितना बड़ा चाहेंगे पहले खींच सकते हैं। तो ए पर 60 अंश का कोण बनाएंगे, इसके लिए देखिए क्या करेंगे, आप लोग कोई जरूरी नहीं है कि प्रकार से, अगर प्रकार से बनने वाला नहीं होगा तो चांदे से बना सकते हैं। तो देखिए ए पर 60 अंश का कोण बनाने के लिए प्रकार से कोई भी दूरी लेके और ए पर रख के प्रकार को, ऐसे प्रकार को ए पर रखते हैं और ऐसे एक चाप लगा लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इस चाप में जो दूरी प्रकार में लिए हैं यहां पर अब रखेंगे, जहां पर ये रेखा कट रहा है इस पर प्रकार को रख लेंगे ऐसे, और उसी दूरी से इसको काट लेते हैं। तो जहां कटता है यही 60 अंश का कोण बनता है, तो इसको हम लोग आगे तक खींच सकते हैं। मान लीजिए हमने ए को एक्स तक आगे बढ़ा लिया, यहां पर कोण बना 60 अंश का। अब देखिए हमको क्या करना है, अब बी पर हमको कोण बनाना है 105 अंश का, बी पर हमको कोण बनाना है कितने का 105 अंश का। तो अगर आप लोग प्रकार से नहीं बना पाएंगे तो चांदे से बनाएंगे, आप लोग चांदे से आप लोग कोण बनाना जानते हैं, तो यहां से आप लोग कोण बी पर देखिए दिया 105 का, तो इस बी पर 105 अंश का कोण बनाते हुए आप लोग रेखाखंड खींच लेंगे। मान लीजिए हमने बी वाई खींच लिया, बी से वाई तक यहां का कोण जो होगा वो होगा, नाप के आप लोग बनाएंगे 105 अंश का। अब देखिए हमने क्या किया है, ए बी हमने बना लिया है 5.5 सेमी, अभी हमने बी सी नहीं खींचा है इस पर, और देखिए हमने कोण ए बना लिया, कोण बी बना लिया, अब देखिए कोण डी दिया 90 अंश का, तो डी कहां होगा, देखिए ए बी बी सी जब इधर होगा तो डी इधर होगा, डी इधर कहीं होगा, अब कहां होगा ये नहीं पता हमको, और बी सी हमारा देखिए पता है कितना, बी सी 3.7 सेमी, जो जो जैसे पता होगा वैसे वैसे आप लोग करते जाएंगे। तो प्रकार में देखिए अब हम लोग बी सी कैसे खींचेंगे, बी सी कोई भी पहले जो खींचने वाला होगा खींच सकते हैं। अब हम लोग 3.7 दिया तो प्रकार से 3.7 सेमी का दूरी लेंगे और इस बी पर रख के और ऐसे एक चाप काट लेंगे, ये जो बी वाई रेखा है इसको काट लेंगे।
जहां कटेगा इसी का नाम हो जाएगा सी, और ये बी सी कितने का हो जाएगा 3.7 सेमी का, ये हो जाएगा। अब देखिए हमने इतना कर लिया है, दो भुजा दिया था, दोनों भुजा हमने खींच लिया और तीन कोण में से दो कोण हमने खींच लिया है। अब कह रहा है कोण डी 90 अंश, डी इधर होगा, ए बी सी जब मिल गया तो डी इधर होगा 90 अंश का होगा, और बाकी कोई भुजा अब नहीं दिया हुआ है, तो हमको अब डी यहां 90 अंश का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल होता है 360 अंश, तो 360 में से देखिए 60, 90 और 105 दिया हुआ है, 60, 90 और 105 दिया। जैसे मान लीजिए जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या ज्ञात है, ये सब लिखना आप लोग जानते हैं तो हम यहां लिखेंगे नहीं, ज्ञात है हमें क्या लिखना है, ए बी जो जो दिया होगा वही लिख देते हैं। रचना करनी है हमें, एक चतुर्भुज बनाना है दिए गए नाप से, तो रचना करनी है हमें, लिखेंगे आप लोग दिए गए नाप से एक चतुर्भुज बनाना है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग हल क्या करेंगे, रचना करनी है हमें, इसी में हम लोग लिखेंगे या यहां ज्ञात है में हम लोग लिख सकते हैं, ये जो लिखेंगे सब कुछ लिखेंगे तो जब तीन कोण दिया तो हम लोग चौथा कोण निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश होता है चतुर्भुज में, चारों कोणों का योगफल 360, उसमें से देखिए कौन कौन दे दिया है, ए दिया है 60, बी दिया है 105, प्लस कोण सी नहीं दिया है तो कोण सी हम लोग ऐसे लिख लेंगे, और प्लस कोण डी भी दे दिया है देखिए 90 अंश, और बराबर 360 अंश। तो यहां से हम लोग कोण सी निकाल सकते हैं, इस सबको जोड़ के और उधर 360 में से घटा लेंगे, तो लिखेंगे 360 माइनस, ये सबको जोड़ लेते हैं, 105 और 90 195 होंगे, और उसमें 60 को जब जोड़ेंगे तो 255, तो इधर हो जाएगा माइनस में 255, तो कोण सी का मान आ जाएगा, देखिए 360 में से 255 को जब घटाएंगे तो 105 अंश। तो हमको अब देखिए क्या करना है, यहां 90 बनाना, कह रहा है कोण डी पर 90, तो हमको पता हो गया कोण सी पर कितना होगा 105 अंश का कोण। तो हम लोग क्या करेंगे, चादा को ऐसे यहां पर रखेंगे और देखेंगे 105 अंश का कोण कहां हो रहा है, तो जहां पर होगा यहां से बनाते हुए ऐसे मिला लेंगे, जहां मिलेगा यही D हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा 105 अंश, और यहां पर बन जाएगा 90 अंश। तो देखिए ऐसे बनाएंगे, इसको यहां शो नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इस तरह से आप लोगों का ये फिगर बन जाएगा। रचना के चरण आप लोगों को लिखना है तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, नंबर डाल के पहले नंबर में लिखेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी 5.5 सेंटीमीटर का खींचा, ए पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा ए अक्ष खींचा, तथा बी पर 105 अंश का कोण बनाते हुए एक दूसरा रेखाखंड बी वाई खींचा। इतना कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, बी से प्रकार में 3.7 सेमी का दूरी लेकर बी वाई रेखाखंड पर एक चाप लगाया जो बी वाई को सी पर काटता है। सब नंबर डाल के लिखना है, तो हमको सी देखिए मिल गया, और लिखेंगे हमको पता है कि जब चतुर्भुज के चार कोण 60, 105, 90 के हैं तो चौथ ये कोण सी 105 अंश का होगा, तो कोण सी पर 105 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खंड खींचा जो ए अक्ष रेखा को डी पर काटता है, तो यही हमारा चतुर्भुज ए को ये सब मिला ही दिया लगभग, तो चतुर्भुज यही हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है। तो ऐसे रचना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिखना पहले बहुत जान चुके हैं, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ, या रफ में भी लिख के लिख लेंगे डायरेक्ट रचना के चरण में निकालना कि जब चतुर्भुज के तीन कोण इतने तरह का है तो चौथा कोण कोण सी इतने का होगा, लिख सकते हैं ऐसे।
तो इस तरह से आप लोगों को फिगर बनाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बस बनाना है, आप लोगों को बना सकते हैं। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.5 सेमी और 6 सेमी हो, इसके दोनों विकर्णों को नापिए। अब कह रहा है एक आयत की रचना करना है जिसकी भुजाएं 4.5 सेमी और 6 सेमी हो, तो दो ही भुजा देखिए आयत में दिया है, दो ही क्यों दिया है, आयत में तो चार भुजा होते हैं, तो आप लोग जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, याद रखेंगे कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के होते हैं। तो बनाएंगे कैसे, पहले 4.5 भी बना सकते हैं या पहले 6 सेमी भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको पहले 6 सेमी बड़ा वाला खींचना हो अगर, तो वही खींच लेते हैं हम लोग, स्केल से नाप के क्या करेंगे, पहले एक रेखाखंड ए बी खींच लेंगे 6 सेमी का। देखिए दोनों में से कोई खींच सकते हैं, 4.5 भी खींच सकते हैं या 6 भी, तो हमने 6 खींचा है, इससे क्या होगा फिगर थोड़ा अच्छा दिखता है। तो देखिए 6 सेमी का हमने ये भी एक रेखाखंड खींच लिया। अब देखिए ध्यान क्या देना है, आयत में हमेशा जो कोण चारों होंगे सब 90-90 के होते हैं, याद रखेंगे, हमने चैप्टर के शुरू में बताया था। तो यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लेंगे, 90 का कोण बनाते हुए ऐसे मान लीजिए ए अक्ष हमने खींच लिया, और बी से भी 90 अंश का कोण बनाते हुए हमने बी वाई खींच लिया। ध्यान दीजिएगा यहां पर भी हमने कोण बनाया है 90 और यहां पर भी कोण बनाया है 90, ये 6 सेमी। अब हमको क्या करना है, कह रहा है कि एक भुजा 6 सेमी एक 4.5 का, तो हम लोग जानते हैं आयत में इसके सामने जो भुजा होगा वो 6 सेमी होगा, तो इधर इधर वाला कितना होगा 4.5, ये आमने सामने बराबर होंगे। तो हम लोग अब प्रकार में दूरी 4.5 दिया, तो 4.5 सेमी नापेंगे और ए पर रख के ऐसे एक चाप काट लेंगे, इसी का नाम क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे, हम यहां लिख रहे हैं बाहर डी इसका नाम लिख लेंगे। और फिर देखिए 4.5 सेमी दिया, तो 4.5 जब इधर होगा तो 4.5 बी पर भी रख के काटेंगे, क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये जहां काटेंगे इसका नाम सी हो गया, सी को डी से स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ये हमने देखिए 6 सेमी खींचा और ये दिया था 4.5 सेमी, तो ये जब 4.5 सेमी हो गया तो ये भी उतना ही होगा, और 6 सेमी है तो ये भी 6 सेमी का ही होगा, यहाँ दिखाना नहीं है इसको, बस समझने के लिए हमने बताया है ऐसे, बस इतना ही करना आप लोगों को। तो ज्ञात है में क्या लिखेंगे, ज्ञात है में लिखेंगे वही भुजा जो दिया है उसको लिख लेंगे, रचना करनी है में एक आयत बनाना है, रचना के चरण में पहले नंबर में सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी 6 सेमी का खींचा, ए से ए पर 90 अंश का कोण बनाते हुए ए अक्ष रेखा खींचा, बी पर एक 90 अंश का कोण बनाते हुए बी वाई रेखा खींचा। अब क्या करेंगे, प्रकार में 4.5 सेमी का दूरी लेकर ए पर रखकर एक चाप लगाया जो ए अक्ष को डी पर काटता है, उसी तरह से बी से 4.5 का दूसरा चाप लगाया जो बी वाई को सी पर काटता है, सी को डी से मिलाया, तो यही हमारा आयत ए बी सी डी है जिसके आमने सामने की भुजा 6 सेमी और 4.5 सेमी है तथा सभी कोण 90 अंश के हैं। और भी आगे देखिए क्या पूछ रहा है, दोनों विकर्णों को नापिए। अब विकर्ण क्या होते हैं, ये होते हैं विकर्ण, ठीक है, तो यहां से यहां तक का विकर्ण नाप के आप लोग लिख लेंगे कि लिखेंगे नीचे नापने पर विकर्ण एसी की लंबाई इतना सेमी है और बीडी की लंबाई इतना सेमी है, तो ये तो हम लोग हमने फिगर इस पर बनाया, तो हम नाप के कैसे लिखेंगे, आप लोग नाप के लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन दिया है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 3.5 सेमी, क्यू आर बराबर 6.5 सेमी, कोण पी बराबर कोण क्यू, कोण आर बराबर 105 अंश और कोण एस इक्वल 75 अंश। यहाँ संकेत भी दिया है, देखिए संकेत में क्या है,
देखिए पी आर और एस तीन कोण दिए हुए हैं, तो क्यू कोण नहीं दिया तो यहाँ से निकाल दिया। इसी तरह से आप लोग यहाँ लिख लेंगे, निकाल लेंगे संकेत में दिया है, या नहीं भी निकालेंगे संकेत में दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स चारों कोण देखिए दे दिया हुआ है यहाँ। तो अब देखिए क्या करना है, एक पी क्यू आर एस बनाना है जिसमें पी क्यू बराबर इतना और क्यू आर बराबर इतना, कोई भी पहले खींच सकते हैं। मान लीजिए हम लोग पी क्यू ही खींच लेते हैं, तो नाप के खींचेंगे पी क्यू 3.5 सेमी का। मान लीजिए हमने खींच लिया पी क्यू 3.5 सेमी का। अब देखिए क्या करना है, जब पी क्यू हमने 3.5 का खींच लिया, हमने बताया कि जब दोनों कोण दिए होंगे, बिना ये दोनों कोण बनाए अगर भुजा ये नहीं तो कोण ये बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए कैसे कोण पी बराबर आर, मीन्स पी और आर दोनों 105 हैं। क्यू नहीं दिया तो यहाँ संकेत से देखिए क्यू निकाला हुआ 75, तो करेंगे क्या आप लोग, इस यहाँ वाला कोण बना के और यहाँ वाला भी कोण बनाएंगे। तो देखिए P और R 105, तो P पर 105 अंश का कोण बनाना है, तो आप लोग इस पर 105 अंश का कोण बना के चांदा से 105 अंश का यहाँ पर कोण बनाते हुए और ऐसे एक रेखा खंड खींच लेंगे। इसका नाम मान लीजिए कुछ भी रख सकते हैं, पी एक्स हमने खींच लिया है। फिर देखिए अभी ये नाम पूरा पी क्यू आर एस नहीं लिखना, हमने ये जितना बड़ा चाहेंगे इसको खींच लेंगे। यहाँ पर कोण बनाया हमारा कितना 105 अंश का, अब इधर का कोण बनाएंगे। तो इधर का देखिए कोण बनाने के लिए कोण क्यू यहाँ संकेत में दिया है 75 अंश, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कितने अंश का कोण, 75 अंश का कोण। तो यहाँ से 75 का कोण बनाते हुए ऐसे हम लोग खींच लेंगे। इसका नाम हमने मान लीजिए y लिख दिया है, क्यू वाई। यहाँ पर कोण बना हुआ है 75 अंश का। अब देखिए क्या करना है, जब दो कोण हमने बनाया, अब ये भुजा देखते हैं दिया है कि नहीं। पी क्यू हमने खींच लिया था, क्यू आर, क्यू आर देखिए पी क्यू है तो क्यू आर इधर होगा कितने का, 6.5 सेमी। हम लोग प्रकार में अब दूरी लेंगे 6.5 सेमी का और इस क्यू पर रख के ऐसे चाप काटेंगे, जहां पर भी कट जाएगा इसी का नाम हो जाएगा आर। ये हमने खींच लिया है 6.5 सेमी का। तो ये देखिए हमारा पी क्यू आर 3 मिल गया है। अब हमको और भी आगे देखना है, कोण पी देखिए कह रहा है 105 बना है आर, R पर 105 अंश का कोण और S पर, तो पी क्यू आर एस एस पर 75 अंश का कोण बनाना। भुजा देखिए दो ही दिया है, तो दोनों भुजा हमने खींच लिया। अब कोण खींचना है, तो R हमको जब मिल गया है तो R पर कितने अंश का कोण बनाना है, देखिए 105 का। तो हम लोग R पर ऐसे चांदे को रखेंगे और 105 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड ऐसे खींच लेंगे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 105 अंश का बनाते हुए खींचेंगे और जहां पर इस रेखा को काट लेगा पी क्यू आर वही एस हो जाएगा। तो ये हमारा चतुर्भुज बन जाएगा, एस कोण को जब नापेंगे तो ये भी 75 अंश का हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है देखिए। तो इस तरह से बनाना है, ज्ञात है हमें सब, वही लिखना है, रचना करनी है हमें चतुर्भुज पी क्यू आर एस की। रचना के चरण में या यहाँ रचना में ये संकेत वाला जो है इसी को लिख लेंगे यहाँ आगे, और रचना के चरण ज्ञात है में भी लिख सकते हैं। और रचना के चरण में जैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने पी क्यू की रेखा 3.5 सेमी का खींचा, पी पर 105 अंश का कोण बनाते हुए पी एक्स रेखा खींचा, क्यू पर 75 अंश का कोण बनाते हुए क्यू वाई रेखा खींचा, ये वाई है। अब जैसे जैसे हमने किया, क्यू से 6.5 सेमी का दूरी लेकर एक चाप लगाया जो क्यू वाई को आर पर काटता है, आर पर 105 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा जो पी एक्स को एस पर काटता है, आर को एस से मिलाया, यही हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। तो ये रचना हमने पूरा बोल ही दिया है सभी क्वेश्चंस में, उसको सुन के आप लोग लिख सकते हैं।
नहीं तो अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 10D का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन 10D का फोर्थ नंबर, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि BC बराबर 5.5 सेमी, CD बराबर 4.1 सेमी, कोण A बराबर 70 अंश, कोण B बराबर 110 अंश, कोण D बराबर 85 अंश, AB और DA को नापिए। तो देखिए इसको भी उसी तरह से बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या बना सकते हैं, कोई भी पहले बना सकते हैं, BC मान लीजिए दिया तो हम लोग BC बना सकते हैं कितने का 5.5 सेमी, CD भी बना सकते हैं तो कोई भी पहले बना सकते हैं। मान लीजिए हम लोग BC बनाते हैं तो एक रेखाखंड खींच लेंगे BC, ये कितने सेमी का नाप के खींचेंगे स्केल से 5.5 सेमी का, ये जो रेखाखंड BC खींचेंगे नाप के ये 5.5 सेमी का स्केल से नाप के खींचेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब हमने बताया था कि दोनों पर पहले कोण दिया है, जब कोण दे रहा है तो दोनों पर पहले कोण ही बनाएंगे। कोण B पर देखिए B कोण दिया है और कोण C नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो हम लोग निकाल सकते हैं 3 कोण दिया है। तो देखिए हम लोग पहले हल करके निकाल लेंगे कौन सा कोण नहीं दिया है, सी नहीं दिया है, तो लिखेंगे ऐसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश, कोण ए का मान देखिए 70 अंश प्लस कोण बी का मान 110 अंश प्लस कोण सी नहीं दिया है प्लस कोण डी का मान 85 अंश बराबर 360 अंश। अब देखिए ये तीनों को जोड़ के उधर भेज लेंगे, तो जोड़ेंगे 110 और 70 180 और 85 265 और उधर भेज लेते हैं अभी, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस 265 अंश। देखिए कोण 360 में से घटा लेंगे तो कोण सी बराबर हो जाएगा 95 अंश। देखिए कोण सी का मान आ गया है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण बी पर बनाएंगे देखिए 110 अंश का कोण, तो ऐसे चांदे से 110 अंश का कोण बनाते हुए मान लीजिए हमने खींच लिया BX, यहां पर कोण बनाया 110 अंश का। अब देखिए क्या करेंगे, कोण सी पर कोण बनाना है 95 अंश का, तो हम लोग इस पर 95 का बना लेंगे, ये मान लीजिए हमने CY खींचा, यहां पर कोण बनाते हुए हमने खींच लिया 95 अंश का। अब देखिए क्या कहा है, BC हमने खींच लिया था 5.5 का, CD BCD तो A यहां पर हो जाएगा, देखिए ABCD होगा, तो CD का ना 4.1 सेमी का, हमेशा सीरियल में होना चाहिए ABCD, तो CD का ना 4.1। अब हम लोग प्रकार में 4.1 सेमी का दूरी लेंगे, सी पर रखेंगे और ऐसे चाप काट लेंगे, जहां कटेगा इसी का नाम हम लोग डी रखेंगे, ये हो जाएगा 4.1 सेमी का। अब देखिए अब इसके बाद क्या करना है, हमने एक एक दो भुजा बना लिया देखिए, और हमने कोण बनाया है अभी एक ही जो दिया था, एक तो हमने निकाला, अभी दो कोण बनाने हैं, कौन कौन, कोण ए और कोण डी, तो कोण डी हम लोगों को मिल गया है, जब डी भुजा तो यहां 85 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींच सकते हैं। देखिए इस पर 85 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे खींच लेंगे, जहां पर इस रेखा BX को काटेगा यही हो जाएगा A, यहां से हमने कोण बना लिया है 85 का, तो कोण ए पर हो जाएगा 70 अंश का, एक बनाना नहीं है, जब सब बनाएंगे तो एक अपने से बन जाएगा। अब देखिए रचना के चरण में हम लोग लिखेंगे कैसे, ज्ञात है रचना करनी है ये तो जानते हैं आप लोग, ये भी लिख लेंगे इसी में, और रचना के चरण में सबसे पहले एक रेखाखंड 5.5 सेमी का BC खींचा,
बी से 110 अंश का कोण बनाते हुए बी एक्स रेखाखंड खींचा तथा सी से सी वाई 95 अंश का कोण बनाते हुए खींचा। अब हम लोगों ने क्या किया है, प्रकार में 4.1 सेमी का दूरी लेकर सी पर रखकर एक चाप लगाया जो सी वाई को डी पर काटता है। डी से 85 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा जो बी एक्स को ए पर काटता है। ए तो ये देखिए सभी रेखाखंड बन गए, तो अतः क्या लिखेंगे, ए बी सी डी दिया हुआ चतुर्भुज है। तो इस तरह से आप लोगों का ये 10 का डी पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके अगले पार्ट में आप लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे और अब से आप लोगों को डेली क्लास देखने को मिलेगा। डेली आप लोग 7th और 8th दोनों का पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।